नेशनल खबर सब पर नजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बीपी हाई पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनु अग्रवाल जो कि एक आहार विशेषज्ञ है या फिर ये कह लीजिए एक डाइटिशियन है। मैम, आपका स्वागत है नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आपका भी और नेशनल खबर का भी मुझे मौका देने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने के लिए। जी शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बीपी हाई है क्या एक्चुअली और ये किस तरह से होता है। बीपी का मतलब यानी कि ब्लड प्रेशर, और प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे एक पानी होता है उसमें फोर्स जो रहती है पानी की वो कम है या ज़्यादा है, तो इसी तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे जो हार्ट के आर्टरीज होती हैं, उसमें आपके ब्लड का फ्लो क्या है। अगर फ्लो फास्ट है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, हाई हो गया है। सो अगर सिंपल शब्दों में मैं बता रही हूँ ताकि हमारे सभी दर्शक समझ सके, क्योंकि साइंटिफिकली तो हम बहुत जगह से पढ़ सकते हैं बट सिंपल शब्दों में समझना कि क्या है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा कि जब भी कोई रनिंग करता है, दौड़ के आ रहा है, या कुछ बहुत ज़्यादा खुश है या दुखी है, या कुछ ऐसा समाचार मिल रहा है, तो उससे भी जो शरीर में जो खून का जो बहाव है वो उसी हिसाब से बढ़ता और कम होता है। जिस हिसाब से खून का बहाव बढ़ेगा कम होगा, उसी हिसाब से हमारे जो हार्ट के आर्टरीज हैं उस पर उसका प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो ये सब किसी में अलग अलग होता है, किसी को बढ़ भी सकता है, किसी को कम भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। जी, तो ये कह लीजिए कि अगर ब्लड का प्रेशर हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बीपी हाई, अगर ब्लड का प्रेशर लो हो रहा है तो बीपी लो। लो है जी। तो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स मैं ही कहूँगी, ये किसी को ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी हो सकता है, जो बच्चे हैं बड़े हैं किसी को भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या फील कर रहे हैं, या आपके बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो क्या है, आपका जो दिनचर्या है वो क्या है। तो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या है कि बीमारी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें होता यही है कि सबका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। आजकल तो आपने देखा होगा कि इसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बच्चों से लेके बड़ों तक और ओल्ड एज में। तो लाइफ स्टाइल है इसका फैक्टर, साथ में जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ब्लड का जो फ्लो है वो हाई होगा। तो ये मेन दो फैक्टर आते हैं इसमें। जी, तो हम किस तरीके से हाई बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारी इस पर रिसर्चेज भी हैं, बहुत सारी रिसर्च बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट यही कहते हैं कि जो जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक उसको मैनेज किया जा सकता है न्यूट्रिशन से, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो प्राथमिक इलाज है हाई ब्लड प्रेशर का। तो अगर आप दवाइयाँ खाने से पहले या दवाइयाँ जो खा रहे हैं उनके लिए भी अगर आप न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हैं तो आपका जो बैलेंसिंग है, जो ब्लड का फ्लो है वो मैटर इसमें कम हो जाएगा। इसके लिए एक डाइट आई थी जिसको बोलते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसी से आप समझ सकते हैं डाइट को अप्रोच करना हाइपरटेंशन को बंद करने के लिए, राइट? तो आपने अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट डाइट लिया और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किया तो ये बीमारी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ब्लड प्रेशर। फिर लेकिन अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ रहता है और वो मैनेज नहीं करता है तो इससे फिर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो इसको अगर ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को जैसे आप देख रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा आप हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जब भी आप रनिंग करते हैं या आप
किसी खुशी में, किसी दुख में अचानक से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपको अपनी डाइट पर और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए कई बार ये भी होता है कि ये जेनेटिक भी होता है, बट जैसे कि जेनेटिक है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी में होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ और डाइट पर ध्यान दिया है उनको ये नहीं होगा। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बीपी हाई हमारे हार्ट पर अटैक करता है या फिर अफेक्ट करता है, तो लो ब्लड प्रेशर हमारे किस बॉडी ऑर्गन पर अफेक्ट करता है? ऐसा लो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है कि ऐसा देखा गया है, लेकिन उसमें बहुत जल्दी हमारा लाइक ब्लड का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है फिर हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन तक वो नहीं पहुँच रही है। तो अगर किसी को हाइपोटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको चक्कर आना बहुत ज़्यादा कॉमन है, या बहुत जल्दी फेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। और यही है कि ब्लड का फ्लो अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ये जो चक्कर आने वाली प्रॉब्लम है या ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। जी, तो डॉक्टर साहब आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बीपी हाई या फिर बीपी लो कितना घातक हो सकता है? ये अगर आपको परमानेंट बना हुआ है, बीपी हाई अगर आपने या बीपी लो अगर परमानेंट बना हुआ है तो घातक हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर ये सही सही समय पर आप डाइट से इसको क्योर करते हैं, सही हो जाता है, तो इससे कोई घातक नहीं है, क्योंकि ये हम किस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं उस हिसाब से बैलेंस हो जाता है। और घातक इन जैसे कि जो हार्ट की बीमारियाँ हैं वो हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो अगर किसी को इंस्टेंट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तभी, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि ऐसा ब्लड प्रेशर है तो ऐसा मुझे हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये क्योरेबल है, आपने खुद ने मैनेज करना है ये। और हाइपोटेंशन में थोड़ा सा ये रिस्क रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी चक्कर आ जाते हैं, है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट जो है वो उसमें सोडियम इंटेक प्रॉपर लें, क्योंकि सोडियम ही उस चीज़ को बैलेंस करने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप कहीं आउटसाइड हैं और आप फील कर रहे हैं कि आपको चक्कर आ रहा है, फेंट महसूस हो रहा है, तो आपका वर्क भी डेफिनेटली उससे इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में आपको किसी का साथ भी चाहिए पड़ेगा कि उस समय आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कोई साथ में हो। जी जी, बीपी हाई और बीपी लो की रेंज क्या है? बीपी हाई जो है उसका जो मैं आपसे कहूँगी, हम लोग जो इंडिया जो फॉलो करती है वो इंडियन रेंज नहीं है, तो इसका जो नॉर्मल रेंज दिया गया है वो 120-129 दिया गया है। इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं ऊपर का, और डायस्टोलिक जो होता है वो 80-84 की रेंज में होता है। अगर बट ये अगर आपका इससे ज़्यादा भी है, यानी कि किसी का 140 भी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत दवाइयाँ शुरू कर देना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन है, डाइट है ना। और अगर किसी का 70 भी जा रहा है, तब भी अपनी डाइट को ऑब्जर्व करिए कि आप उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, आप क्या ज़्यादा ले रहे हैं, क्या कम ले रहे हैं, और सेल्फ मॉडिफाई करते रहिए। मैं ये कहूँगी उसके लिए आपको ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आपने दो दिन कोई डाइट लेके देखा, आपने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर कम जा रहा है, या आपने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को एलिमिनेट करके उस डाइट को चेंजेज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है, एक तो आप इसको खुद ही सेल्फ फील कर सकते हैं कि कम हो रहा है या बढ़ रहा है, दूसरा इसका जो मेजरमेंट का तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। एक कफ होता है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आप नॉर्मली एक ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन भी अपने घर में रख सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं। और मशीन रखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डेली कुछ भी आपने सुना अच्छा बुरा और आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो भी एक टेंशन होगा कि ब्लड प्रेशर चेक करना है, और जैसा महसूस करते हैं उससे चेंज आते हैं, तो अगर कुछ भी डिरेंज्ड आया तो आपने फिर टेंशन लेना है, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं करना है, बट हाँ अगर आपको कभी महसूस हो रहा है कि ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप चेक करिए, उसके हिसाब से अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करिए, और डॉक्टर के पास जाने से पहले सेल्फ एनालिसिस करिए, ऑब्जर्व करिए, और अवेयर जागरूक हुई इस चीज़ के लिए कि आप क्या क्या चेंजेस करें, और आपको फिर आप उसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके घर में मशीन है, आप चेक कर सकते हैं, और आप खुद महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो महसूस अपने बारे में कर रहे हैं हम वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इफ़ेक्ट अच्छा हो रहा है। जी, और अगर बात करें डाइट की,
तो बीपी हाई पेशेंट को या फिर बीपी लो पेशेंट को किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोनों बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए एक अप्रोच आया था, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसका जो गोल था वो बेसिकली यही था कि इसमें जो कैटेगराइज किया था, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फिर इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेना चाहिए, दूध दही पनीर ये सारी चीज़ें लेना चाहिए, ट्रांस फैट हाइड्रोजिनेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट को कम करना चाहिए, है ना, और जो रिफाइंड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको भी कम करना चाहिए और अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। तो अब मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो हम जो सोडियम एक पोषण तत्व होता है, एक न्यूट्रिएंट्स होता है जिसका प्राइमरी सोर्स है सॉल्ट, है ना, नमक। तो हर कोई नमक को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और नमक ज़्यादा लेंगे तो ब्लड का जो प्रेशर है, जो फ्लो है आर्टरीज में, वो बढ़ेगा। लेकिन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। पोटेशियम ज़्यादा होने से आपके आर्टरीज जो हैं उनके, अगर वो श्रिंक हो गई हैं या ब्लड फ्लो जो है उसको वो बैलेंस करता है। तो इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आपका पोटेशियम का इंटेक बैलेंस होगा और सोडियम आप जो ले रहे हैं उसको हम वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, राइट। इसी तरह इसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसीलिए लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोडियम को बैलेंस करना। तो मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि आपने ये देखना है कि सोडियम सॉल्ट में होता है, प्राइमरी सोर्स जो है सोडियम का वो सॉल्ट है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जी में कितना नमक ले रहे हैं, केवल वही सॉल्ट है। हम नमक और भी चीज़ों में लेते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी पैकेट वाली चिप्स खा रहे हैं, आप नमकीन ले रहे हैं, आप बिस्किट कुकीज, भले ही आप वो मीठा क्यों नहीं ले रहे हैं लेकिन आप रियलाइज करेंगे कि उसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आता है जी। या आप केक भी खाते हैं उसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट आता है, आप चटनी खा रहे हैं घरों में, आप अचार खा रहे हैं, कैचअप्स जितने तरह के, टोमेटो कैचअप, चिली कैचअप, सोया सॉस, इतने तरह के सॉसेस आ रहे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, या खाने में आप पापड़ ले रहे हैं या आटे में आप नमक डाल के बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हिडन फॉर्म ऑफ सॉल्ट हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा है, है ना। आपको लग रहा है कि आपने सब्जी में थोड़ा सा ही नमक लिया है लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने एडिशनली उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ली हैं, है ना। तो इसको बैलेंस करना है। आपने ये ध्यान देना है कि सोडियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सॉल्ट से पूरी होती है, और सॉल्ट आपको 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, और जिसको हाइपरटेंशन है उसको 1.4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और जिसका जितना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उस हिसाब से। पोटेशियम की बात करें, इसी में हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है कि अगर कोई 500 ग्राम फल और सब्जियां डेली लेता है तो उसका पोटेशियम का इंटेक जितना होना चाहिए वो पूरा हो जाता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि 500 ग्राम यानी कि 1/2 kg फल और सब्जियां आप इसको प्योर फॉर्म में लें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना करें, और ऐसा नहीं कि आपने बाहर से फलों का जूस पी लिया या पैकेट वाला फूड खा लिया, पैकेट वाला जूस ले लिया, प्रिजर्व्ड या कैंड फ्रूट्स ले लिए, फ्रेश फॉर्म में लें। तो कच्चा रॉ वेजिटेबल लेना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपसे बात किया था ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट, तो सैचुरेटेड फैट का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि जो कोकोनट ऑयल होते हैं या बटर होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो ऑयल जमे हुए रहते हैं, जो पिघल नहीं रहे हैं, ऐसे तेलों को आपको बंद करना है। तो ट्रांस फैट और हाइड्रोजिनेटेड फैट जब आप होता है कि जब आपने कोई तेल को बॉयल किया हुआ है और आपने उसे 3 दिन के लिए स्टोर करके रखा है, आप देखेंगे कि वो गाढ़ा होता चला जाता है। तो इस तरह का तेल मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके हार्ट से रिलेटेड एक वो है, बीमारी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सैचुरेटेड फैट यानी कि कोकोनट फैट या बटर का इस्तेमाल मत करें, और बटर में तो नमक भी होता है, हिडन सॉल्ट होता है, है ना, तो वो इस्तेमाल ना करें। आप देसी घी या सरसों का तेल या जो ऑयल सीड होती है जैसे कि अलसी या अलसी का तेल, इस तरह की चीज़ें लें, है ना। तो
तो ये डाइट के लिए अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने एक दिन में आधा किलो से ज़्यादा कच्ची फल और सब्जियाँ खाएं तो ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। इस पर बहुत सारी रिसर्च में एक इंक्लूड करना चाहूँगी, एक API India.org एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसने पब्लिश किया है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल लेने से बहुत हद तक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और रिसर्च में उन्होंने देखा है कि 8 से 14 mmHg ब्लड प्रेशर बहुत ही क्विक रिजल्ट आया है, बहुत ही जल्दी कम हुआ है। ओके जी, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन है। किसी को भी ब्लड प्रेशर, अगर अभी भी मैं यही कहूँगी दर्शकों से, अगर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो अगर कोई महसूस कर रहा है कि उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है या कुछ सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, वो आज ही से फल का, सब्जियों का कंजप्शन अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए, सॉल्ट का कंजप्शन कम कर दीजिए और जो प्रोसेस्ड फूड है उनको अपनी डाइट से हटा दीजिए। ये तीन चीज़ें बस करने से आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए गारंटी दे सकती हूँ कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर आपका सही हो जाएगा। जी, क्या कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो बीपी को कम करने में या फिर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? हाँ, यही सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का मात्रा कम करना और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना, यही दो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ में फाइबर है, फाइबर बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो फाइबर इनटेक भी प्रॉपर हो जाएगा, है ना, अगर उसका पील ऑफ नहीं कर रहे हैं। और रिफाइंड फ्लोर वगैरह अगर आप कम ले रहे हैं, यानी कि बिस्किट, समोसे, ये सारी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें कम कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का भी कंजप्शन कम हो जाएगा। तो इन यही कुछ मेन फैक्टर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सोडियम एंड पोटेशियम का ध्यान रखना। जी, जैसे कि आपने बताया डाइट का एक बहुत ही अहम रोल है हमारी लाइफ में, लाइफस्टाइल में, तो हमें कच्ची सब्जी और फलों को मेन रखना, इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में ज़रूरत से। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया कहना चाहूँगी और नेशनल खबर का थैंक यू और दर्शकों को भी थैंक यू। साथ में दर्शकों से मैं यही कहूँगी, मेरी बात पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिकता जो है वो आपका न्यूट्रिशन है, उस पर ध्यान दीजिए। आपके मन में इससे कोई, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा है, आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना आप सवाल पूछेंगे तो उससे ना केवल मेरी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और उन सवालों के बारे में जब हम जवाब देंगे तो और भी 4 लोग सुनेंगे, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस चीज़ पर ज़रूर, आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप उसको ज़रूर मैसेज करिए, कमेंट करिए। और शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। जी, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत बहुत सारे दर्शकों को उनके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।